उत्तरी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सबसे पहले आगरा जिलाधिकारी कार्यालय में कांग्रेस से प्रत्याशी रणवीर शर्मा पहुंचे, शिवपाल यादव की पार्टी से दिलीप बघेल, जिसके बाद बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा से पुरुषोत्तम खंडेलवाल पहुंचे व गठबंधन से सूरज शर्मा पहुंचे। कुछ निर्दलीय भी पहुंचे नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए। सभी ने एक दूसरे पर कटाक्ष भी किए। किसी ने कहा कि कोई हेलीकॉप्टर से आया है तो उसे यहाँ की गलियाँ भी नहीं मालूम, तो किसी ने भाजपा के रहे विधायक स्वर्गीय जगन प्रसाद गर्ग के बारे में कहा कि उन्होंने आज तक जनता की भलाई के लिए कोई कार्य भी नहीं किया, सिर्फ शादियों में जाने के अलावा। सभी प्रत्याशियों ने विकास के मुद्दे पर बात की कि हम अगर जीतते हैं तो आगरा का विकास कराएंगे, आगरा में जल की समस्या व सड़क की समस्याओं को दूर करेंगे। खैर, ये तो इन प्रत्याशियों के वादे हैं जो आज तक कभी भी ये पूरे नहीं कर पाए। पूरी दमदारी से चुनाव लड़ूंगा। पिछले 30 साल से उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, 5 बार के विधायक थे, उन्होंने कभी क्षेत्र की ओर जाके मुड़कर नहीं देखा। उनको शायद ये नहीं पता होगा क्षेत्र में कितने वार्ड हैं, कितने मोहल्ले हैं। केवल शादी, जन्मदिन, उठावनी, इन सभी मुद्दों में वो जो सक्रिय रहे, कभी क्षेत्र में कोई किस तरह का विकास कार्य नहीं किया। मैं चूंकि लंबे समय से राजनीति जुड़ा हुआ हूँ, समाजवादी पार्टी में इस विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, बूथ तक की जानकारी है, बूथ तक का कार्यकर्ता मेरे साथ है और इन सभी मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आप सभी के बीच में हूँ और मुझे आशा है क्षेत्र की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, निश्चित रूप से विधानसभा भेजने काम करेंगे। माना जाता है वैसे भौगोलिक इलाका ही है, वैसे में बघेल जातिगत जो आंकड़े आपको कितने पक्ष में? आज के समय में जातिगत आंकड़ा कोई नहीं देख रहा, आज के समय में आदमी देख रहा है कैसे अवेलेबल है, क्या काम कर सकता है। बड़ी पार्टी ने टिकट दे दिया और वो जानता नहीं है कुछ भी, कभी क्षेत्र में नहीं गया, विकास नहीं किया, तो कब तक जीतेगा? बिल्कुल, आगरा उत्तर विधानसभा के जो समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष या बस्ते जितने भी आज तक लगे हैं वो हमारे दिलीप बघेल ही ने लगाए हैं, क्योंकि ये पूर्व में समाजवादी पार्टी के उत्तरी विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सपा या बसपा का वहाँ कुछ भी ऐसा अस्तित्व नहीं है जो कि वो मजबूती दिखा पाए। और अन्य पार्टी की भी बात करें तो जितने भी प्रत्याशी हैं वह सब कोई भी उत्तरी विधानसभा से वोटर नहीं है। अगर आप गठबंधन के प्रत्याशी को जाएंगे तो अभी लंदन से ही उतरे हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग से उतर के आए हैं और बाहर विधानसभा के नागरिक हैं। और अगर हम बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो वो दक्षिण विधानसभा के हैं। तो हमारा जो उत्तरी विधानसभा के जो प्रत्याशी है दिलीप बघेल, वो लोकल का लड़का है, लोकल का कार्यकर्ता है, उसने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, दिन रात खड़ा रहा है। तो अब हमें उम्मीद है कि उत्तरी विधानसभा की जनता दिलीप बघेल को जिता के विजय बनाएगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।